उम्र भर बीवी से परेशान रहे लिंकन झगड़े से बचने के लिए ऑफिस में सो जाते थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन खासा कलहपूर्ण था। पत्नी से बचने के लिए वे अक्सर अपने ऑफिस में ही सो जाते थे। लिंकन के बारे में उनके जीवनीकारों ने लिखा है कि उन्होंने तो जिंदगी खुद को पत्नी से परेशान पाया। लिंकन को जीवन में जितना सम्मान मिला, उनकी पत्नी मैरी टॉड को उतनी ही लालची और खुदगर्ज के रूप में याद किया गया। लिंकन ने मैरी टॉड के साथ बेमन से शादी की थी, ये जानते हुए भी कि दोनों एक दूसरे के एकदम उलट हैं। एक बार उनकी सगाई टूट भी गई, लेकिन मैरी आमादा थी कि वो शादी करेंगी तो उन्हीं से। ये इनकेन प्रकारेण उन्होंने ऐसा कर भी लिया। किताब लिंकन द अनोन में लेखक डेल कार्नेगी लिखते हैं कि लिंकन ने जब पहली बार सगाई तोड़ी थी तो उनका यही मानना था कि अगर शादी हुई तो विनाशकारी होगी। इसे नीति ही कहना चाहिए कि उनकी शादी मैरी से ही हुई, जो विनाशकारी ही रही। मैरी जितनी आक्रामक और कलहपूर्ण थी, वह उतने ही शांत और साधारण थे। पत्नी से बचने के लिए आमतौर पर घर से दूर रहने की कोशिश करते थे, रातें ऑफिस में बिताते थे। न जाने कैसे मैरी को ये आत्मविश्वास था कि उनका पति एक दिन जरूर अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। तब लोग हैरानी से पूछते थे ये लिंकन कौन है। जब लिंकन वकालत कर रहे थे तभी उनकी ख्याति जबरदस्त वक्ता के रूप में होने लगी। उनके भाषण सत्यनिष्ठा और तर्कों से भरपूर थे, प्रभावित करने वाले। दास प्रथा को लेकर जब अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा जल रहा था, तब 1860 में जब शिकागो में नवगठित रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चयन किया तो लिंकन के नाम की कोई संभावना ही नहीं थी। एक से मजबूत एक दावेदार थे। घंटों के बाद विवाद और गुटबाजी के चलते जब लिंकन के नाम का नामांकन हुआ तो लोग हैरान रह गए, कोई उन्हें नहीं जानता था। उनके नाम पर आमतौर पर यही प्रतिक्रिया होती थी कि रिपब्लिकन खुद अपनी कब्र खुदवाना चाहते हैं, लेकिन लिंकन की बातें जनता के दिलों तक पहुँच रही थी, जनता को प्रभावित कर रही थी। वह भाषणों में कहते थे, अगर दास्ता गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। वह चुनाव जीते और राष्ट्रपति बने। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने चुनाव लड़े थे सब में उनकी हार हुई थी। 1 जनवरी 1963 के दिन उन्होंने दास प्रथा के खिलाफ राष्ट्रपति के तौर पर कानून पर हस्ताक्षर किए। अलबेले इंसान और अलबेले राजनीतिज्ञ, उनका जीवन सादगी मानवता धैर्य और सत्यनिष्ठा की ऐसी मिसाल था कि हैरानी हो सकती है कि क्या कोई भी मनुष्य ऐसा भी हो सकता है। जीवन का बड़ा हिस्सा लगातार प्रतिकूल हालात से टकराते हुए बीता, घर से बाहर तक। इसके बाद भी वह जिस सहजता के साथ जीवन मूल्यों पर विश्वास करते रहे, वैसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। वो अलबेले मानव थे, अलबेले राजनीतिज्ञ, सबसे ऊपर प्रेरणादायी महान हस्ती। उनकी सारी जिंदगी गहन विषाद, उदासी और निराशा में बीती, फिर भी उन्होंने किसी के लिए खुद में कटुता नहीं पैदा होने दी। वह उदासी में डूबते रहते थे, लगातार नाकाम होते थे, लेकिन फिर उतने ही धैर्य से अगले काम में लग जाते थे। फावड़ा चलाने से लेकर क्या काम नहीं किया, वह उद्धार से किताबें पढ़ने के लिए खेतों पर फावड़ा चलाते थे। अदालत में वकीलों की बहस सुनने के लिए 15 से 20 मील पैदल चलकर जाया करते थे। उन्होंने न जाने कितने ही छोटे मोटे काम किए। मजदूरों और किसानों के बीच जब उन्हें बोलने का मौका मिलने लगा तो उनकी महत्वाकांक्षा जगने लगी। पता चल गया कि उनमें अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। उनकी पत्नी सबसे बदनाम शख्सियत बन गई। अजीब विरोधाभास है कि लिंकन को बाद के बरसों में जितना सराहा गया और सम्मान मिला, उनकी पत्नी को उतनी ही बदनामी। उनके निधन के बाद उन्होंने अपने लिए ज्यादा पैसे की मांग की, बीमारी के नाम पर फर्जी बिल देकर कांग्रेस से पैसे की मांग की। यही नहीं, बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वे कर्जों में डूब गई हैं, लिहाजा ये अमेरिका सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो उनको इससे उबारे और उन्हें जीवन गुजारने के लिए पैसा दे। वह राष्ट्रपति भवन से जाते समय वहाँ से कई कीमती सामान भी उठा ले गई। मैरी को राष्ट्रपतियों की सबसे लालची और खुदगर्ज पत्नी के रूप में याद किया गया।